दूसरा बड़ा बनाने में कमी पर टीम डोगा स्पोर्टिंग और कोई चूक नहीं यहाँ पर बोलो सरदार। उत्तरी दिशा पर टीम डोगा स्पोर्टिंग और मैदान की दक्षिणी दिशा पर रोनाडी पानी मंत्री के नाटक आरू बेटा ना बासा का सिया सुनील मोसो इतने दुखिया इस वजह से जा इन्हों का ताको तेवान का स्पोर्ट्स प्रोग्राम भाग और कोई चूक नहीं यहाँ पर कमाल की थ्रो कर यहाँ पर पहले भी जिक्र कर चुका हूँ डोगा स्पोर्टिंग की ओर से जो स्ट्राइकर्स हैं चांद दशी में बोल सकता आप इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे और नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है नंबर के लिए अच्छी कंट्रोल फिर से ब्रेकफास्ट की बात करें तो हालांकि सेकेंड राउंड तक कभी धूप लग रही थी लेकिन फाइनल का मैच में काफी अच्छा धीमी मौसम है तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस की भी समय होती है आप अगर मैच को नहीं खेलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने होम ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन के लिए भी निकलते होंगे तो ये प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ आपको मैच खेलने का मौका मिल रहा है तो निश्चित तौर पे अपने एफर्ट्स जो होंगे 100% देंगे सभी स्ट्राइकर सभी खिलाड़ी और जहां तक कहीं मैदान कहीं मैदानों में हमारे सारे कमेंटर्स जिक्र करते हैं कि खेल के लिए चार ताकत की जरूरत होती है ताकत तजुर्बा तकदीर और तकनीक की और उम्मीद करेंगे सभी चार पांच जो है सभी खिलाड़ियों में मौजूद होगी लेकिन किस वक्त किस ढंग से आप उसे उपयोग करेंगे यही बात रहेगी आप सबके बीच मतलब इसी बीच दोनों तिरान बजे के साथ प्रसादी खिलाड़ी को निहारते हुए यहाँ पर हल्की स्ट्रॉन्ग लेकिन सिर्फ का मौका मिलेगा टीम डोगा स्पोर्टिंग को अशोक सुनील
और शुक्र यहाँ पर प्रसादी खिलाड़ी पूजो कमाल का खेल को खेल रहे हैं जहां तक खेल का परिणाम रहा एक शून्य सलीड गलती होती है दोगा स्पोर्टिंग तो कहीं ना कहीं दूसरा बढ़त के लिए यहां पर प्रयास करती हुई टीम दोगा स्पोर्टिंग अच्छी वन टू वन तीसरे गोल को आगे बढ़ाने के प्रयास दूसरा बड़ा बनाने में कामयाब है टीम डोगा स्पोर्टिंग और बहुत ही खतरनाक स्ट्राइकर साबित होता हुआ यहाँ पर बोले सरदार टीम डोगा स्पोर्टिंग की ओर से अगर पहला हाफ में आप पिछड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अगर एक अच्छी रणनीति को अपनाएंगे तो इस मैच में वापसी कर पाएंगे और निश्चित तौर पे सभी दर्शक बंधु उम्मीद करेंगे कि इस मैच में वापसी करें टीम रोलानी एफसी क्योंकि प्रयास सबसे बड़ी बात होती है कहते हैं मंजिल मिले या ना मिले ये तकदीर की बात है लेकिन हम प्रयास भी ना करें ये गलत बात है तो इसी बीच प्रयास जन रहेगा टीम रोलानी एफसी की स्ट्राइकर के द्वारा मतलब ऐसे भी अच्छी मौका क्या गोल में तब्दील कर पाएंगे और अच्छी जगह से यहाँ पर सेट पीस का मौका टीम रोलानी एफसी को एक बेहतरीन मौका टीम रोलानी एफसी के लिए देखने वाली बात आई कि क्या इस गोल को गोल में तब्दील करने में सफल होंगे टीम रोलानी एफसी किस तरह की रणनीति को अपनाएंगे किस तरह सेट पीस को लेंगे और दोनों खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और चलिए इसी बीच बेकार रहता हुआ ये सेट पिच आप अगर इसी तरह के सेट पिच को बेकार रहने देंगे तो कहीं ना कहीं इस मैच में वापसी आने की जो सफर है वो धीरे धीरे दूरी होते बनेगी टीम जब शून्य दो से पिछड़ती है तो कहीं ना कहीं हताश नजर जरूर आती है हर एक खिलाड़ियों में लेकिन ये कमाल की बात रहेगी जिस तरह से जोश और जुनून के साथ अभी तक मशक्कत करती हुई नजर आ रही है टीम रोलानी एफसी के खिलाड़ी कमाल की रही है अच्छा हो गया
और फिर से यहाँ पर मौका टीम दोनों स्पॉटिंग के लिए। अच्छी क्रॉस शॉट जरूर थी लेकिन विपक्ष दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, नतीजा बोल्ड करेंगे गोल से बाहर। अगर विपक्ष दिशा में कोई भी खिलाड़ी मौजूद रहते तो हर किसी टेपिंग के जरिए ही बोल को गोल में तब्दील कर लेते। जरूर थी लेकिन दिशाहीन, इसी तरह के फाइनल मैच में आपको मौका जो है बहुत कम मिलेगी, तो प्रयास कीजिए एक एक मौका को सफल में तब्दील करने के लिए। दर्शक बंधु वर्तमान तो मैच फाइनल मैच रही थी एवं यहाँ पर पूरे हम कमेटी परिवार तरफ से आयोजित स्पोर्ट्स प्रोग्राम पराजीव जो थे पांच वर्ष छोट पा पांच वर्ष रु कम बयस छोट पा अंगा रखा जाए एसहित बेलून छोटा जो थे झील मैंने भाग नहीं पारे केवल अविवाहित झील मैंने सेपर भाव में 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता 10 वर्ष रु कम बयस पाने समस्त झील मैंने भाग नहीं पारे एवं एसहित मैजिक जार आयोजन कर जो थे झील पाने भाग नहीं पारे एवं चलित बर्ष ए फाइनल डे आउ तो रोमांचकारी स्पोर्ट प्रोग्राम जहां कि साइकिल रेसिंग रखा जा साइकिल रेस पाई जो प्रतियोगी माने आछंती समान रे झारखंड रे पड़ोसी राज्य झारखंड रे आछंती जो दर्शक दर्शिका माने स्पोर्ट्स प्रोग्राम रे भाग लेबा पाई चाहछंती समान निश्चित भाव रे सजग होय रहिबे। फाइनल मैच परे परे ही स्पोर्ट्स प्रोग्राम आरंभ करा जिवो पर तेजता सोच जरूर थी और उतना ही सही ढंग से डिफ्लेक्ट हुई थी बॉल। अगर दोनों चौकन में नहीं रहते तो कहीं ना कहीं तीसरा बड़ा बनाने में कामयाब होते थे डोमेन स्पोर्टिंग। और इसी बीच हमारे बीच और एक खुशखबरी मिल चुकी है फाटा टांगर डिपासाई की ओर से। फाटा टांगर यानी तिलका के नजदीक में ये मंझारी प्रखंड से बिलोंग करती है ये गांव। यहां पर पहला ओवर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया है जिसमें प्रवेश शुल्क है 1050 रुपया और खेल की तिथि जो है April 2022 को है और प्रवेश शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि जो है 13 अप्रैल 2022 को। इसमें 16 टीमों को लेकर आयोजित की गई है जिसमें पुरस्कार के तौर पे 11,000 नगद राशि और दूसरा पुरस्कार 8,000 नगद राशि के साथ सम्मानित की जाएगी फाइनलिस्ट दो टीमों को। और चलिए इसी बीच